तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला कोई भी अगर सामान आप ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, उसका प्राइस आप जानना चाहते हो कि लास्ट एक ईयर में घाटा बढ़ा कितना है और कितना में आप बाय कर सकते हो उसको, तो सारा चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई भी अगर ऑर्डर करते हो सामान तो उसका रेट कितना कम है और कितना बड़ा है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे डिस्क्रिप्शन में ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, उसके बाद यहाँ ऐप को ओपन कर देना। ऐप को ओपन करने के बाद इस तरह का कुछ ओपन होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर से आपको सेलेक्ट इंडिया करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको लॉग ऑन करना है या तो साइन अप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर साइन इन या लॉग इन दोनों में कुछ भी आप कर सकते हो। तो क्या इस यहाँ पर साइन अप पर क्लिक कर देना या तो जीमेल वाला पर क्लिक कर देना, आपका सारा जीमेल आ जाएगा। तो जीमेल पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का ये जीमेल से लॉग इन होगा या साइन अप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरी से आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए रहेगा। तो आप कोई भी कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी आपको पांच चूज करना रहेगा तो मैं यहाँ पर पांच सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे टिक वाला पर क्लिक कर देना है। बस गाइस, ये ओपन हो गया है। अब आपको जिसे भी आपको जो भी सामान ऑर्डर करना है उसका प्राइस आपको चेक करना है। तो चलिए आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट में चले जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट को मैं ले लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर कोई भी फ़ोन या कुछ भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इसका लिंक आपको शेयर वाला पर क्लिक करके इसका लिंक आपको कॉपी कर लेना है इस फ़ोन का। उसके बाद यहाँ पर ऐप पर चले जाना है, उसके बाद नीचे आपको सर्च का ऑप्शन दिखा उस पर क्लिक करके यहाँ पर वो लिंक को पेस्ट कर देना है, सर्च पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको तीन को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कुछ जिस पर भी आपको ये देखना है प्राइस, जिसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर तीन को आपको कोई भी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर तीन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो मैंने ऊपर से कर दिया, उसके बाद सर्च वाला पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मैंने वीवो T1 का प्राइस देखने के लिए किया। तो यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर करेंट प्राइस कितना चल रहा है, लोएस्ट प्राइस कितना हुआ है और हाईएस्ट प्राइस इसका कितना रहा है इस फ़ोन का। तो यहाँ पर आपको तीनों चारों यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और एवरेज प्राइस कितना रहा है। तो गाइस, यहाँ पर इस तरह से आप किसी भी फ़ोन का प्राइस पता कर सकते हो कि लास्ट कितना डाउन इसका प्राइस हुआ और कितना बढ़ा है। तो चलिए अब अमेजोन वाला पर दिखा देता हूँ आपको जाकर अमेजोन का प्राइस आप कैसे जान पाओगे। तो यहाँ पर मैं फ़ोन पर चले जाता हूँ, उसका कोई भी फ़ोन ले लेता हूँ, उसका प्राइस आपको बताता हूँ चेक करके। तो गाइस, यहाँ पर देखते हो आईफोन 12 है, यहाँ पर देख सकते हो गाइस। तो इसका मैं लिंक कॉपी कर लेना है, सिंपल आपको लिंक कॉपी करना रहेगा, कुछ नहीं करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ऐप पर आपको चले जाना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ऐप पर मैं चलाया हूँ। तो गाइस, यहाँ पर सर्च पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर लिंक को पेस्ट कर देना रहेगा आपको। तो यहाँ पर बस सर्च पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये आईफोन 12 आ गया है। तो गाइस, नीचे में आप जाओगे, नीचे करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो इसका प्राइस कितना रहा है, कितना और चल रहा है, सारा चीज़ आपको नीचे बता देगा। तो करेंट प्राइस यहाँ पर देखते हो 56,000 के आसपास हो गया है, देख सकते हो गाइस। तो यहाँ पर लोएस्ट प्राइस कितना गया है, 42-43 हज़ार रुपया गया है इसका। तो गाइस, इस तरह से आप किसी भी फ़ोन का प्रोडक्ट का प्राइस जान सकते हो। गाइस, इस वीडियो में इतना, सही बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।